तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। धनबाद में बैंक मोर करतास रोड में स्थित मुथूट फाइनेंस में डकैती कांड को अंजाम देने आए अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी इनकाउंटर में मारा गया। दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, वहीं फरार दो अपराधियों की तलाश जारी है। शेष अपराधी भी जल्द पकड़े जाएंगे, यह बात एसएसपी संजीव कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताई। उन्होंने कहा कि डकैती कांड की सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना के इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह दल बदल के साथ मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस को देख अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी अपराधियों पर गोली दागी गई। पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी इनकाउंटर में मारा गया, जबकि दो अपराधी को दबोचने में पुलिस कामयाब रही। इसी मुठभेड़ में दो अपराधी भागने में सफल रहे, जिसकी तलाश जारी है। खबरों के लिए बने रहे नेहा के साथ धनबाद से टीम की रिपोर्ट। सर उसको फोटोग्राफी करा दीजिए। घटना है, उसको ब्रीफ करने के लिए आप लोगों को आज बुलाया गया है। आज सुबह सुबह बैंक मोड पुलिस को यह इंफॉर्मेशन मिली कि मुथूट फाइनेंस में कुछ लोग घुसे हैं डकैती करने के लिए। इंफॉर्मेशन मिलने के विद इन अ मिनट जो ऑफिसर इंचार्ज हैं यहाँ इंस्पेक्टर पीके सिंह, अपने दो जवानों के साथ स्पॉट पे रश किए और इन्होंने अपने अन्य जवानों को बताया कि वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन जब तक और अन्य जवान तैयार होते, क्योंकि टाइमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितना कितना जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 250-300 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट था जहाँ पर यह घटना हो रहा था। तो इन्होंने अपने हथियार और अपने दो जवानों के साथ ये दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। जब ये स्पॉट पे पहुँचे तो अपराधकर्मी को पता चल गया कि शायद नीचे पुलिस आ रही है, वो लोग भागने का प्रयास किया और पुलिस को देखते ही पुलिस पर उन्होंने गोली चलाई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी अपनी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी मारा गया है और दो अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जिस कारण से हम लोग इस घटना को रोक पाए हैं। अभी बहुत ही इनिशियल अनुसंधान शुरू किया गया है, इसलिए अभी उस संबंध में हम ज्यादा आपके साथ चीजों को शेयर नहीं कर पाएंगे। इवन जो इनके नाम हैं, इनके पास डिफरेंट आईडीज मिला है और इनका आईडीज जो मिला है और इन्होंने जो अपना नाम बताया है, दोनों में काफी फर्क नजर आ रहा है। आईडीज में इन्होंने इनका जो आईडी में जो इनका नाम है वो एक निर्मल सिंह पवार, जो इंदौर मध्य प्रदेश के नाम से आईडी है, और दूसरा आईडी गुंजन कुमार, जो रांची लालगंज के नाम से आईडी। दोनों का आधार कार्ड इसी नाम से बना हुआ है। नाम पूछने पर गुंजन सिंह ने अपना नाम राघव बताया है और लखीसराय का रहने वाला है।